जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए शुरू करते हैं आज लेशन 4 हमारा, जो नॉलेज ऑफ आईसीटी का चल रहा है। ये हमारे इस परीक्षा के लिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी है। कुन अकाउंटेंट हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, उनके सिलेबस में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है। बट कुल मिला के पहुँचना सभी उन्हीं टॉपिक पे है। एक बहुत बेहतर कमेंट था एक स्टूडेंट का कि सर आप अपनी क्लासेस जो है वो इंग्लिश में लेने की कोशिश करें। बट हम जिस रीज़न में हैं और उस रीज़न में जो मोस्टली स्टूडेंट हैं हमारे, वो सभी जो है हिंदी मीडियम वाले हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको उनकी भाषा में पहुँच जो है समझाने की कोशिश करते हैं। टॉपिक जो है वो मोस्टली इंग्लिश में यहाँ पर विजिबल हैं आपको, तो अब थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में वो चीज़ों को देख कर आप समझ जाए जो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को और स्टोरेज डिवाइसेस। ये तीन प्रकार के डिवाइसेस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आईसीटी के लिए हो, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल के नॉलेज के हिसाब से हो, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी का पहला यूनिट, पहला टॉपिक ही चल रहा है अभी, वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लिए ही चौथा लेसन हम लोग का आज चल रहा है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस की हमने कुछ कैटेगरी बनाई है, जैसे टेक्स्ट एंट्री करने वाली इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीपैड्स है, कीबोर्ड जितने होते हैं वो सारे हो गए। पॉइंटिंग एंड सेलेक्शन, माउस जो हम देखते हैं, जॉयस्टिक अपन जो देखते हैं, लाइट पेन अपन जो देखते हैं वो है। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक आपको पता ही है जो है वो, ठीक। इमेज और डॉक्यूमेंट इनपुट कराने के लिए स्कैनर आपके होते हैं। ऑडियो इनपुट कराने के लिए आप माइक देखते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए ईसीजी वगैरह जो आप मशीनें होती है हेल्थ केयर सेक्शन में, वो हॉस्पिटल्स में वहाँ पर आप देखते हैं उन सबको। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के लिए थंब एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, आईज के रेटिना को रीड करने के लिए, ऐसे बहुत सारे डेटा को रीड करने के लिए आप देख रहे हैं। म्यूजिक और साउंड सिंथेसाइजर्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बार कोड रीडर्स भी देखते हैं, RFID भी है आपका। मोशन और इन्वायरमेंटल इनपुट लेने के लिए भी है कि मौसम का कैसा पर है अभी फिलहाल, पानी गिर सकता है, कितना गिर सकता है, हवा कितना तेज चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। मोस्टली जो है वो जैसे साउंड अभी बहुत ज़्यादा जगह पे जो है वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जो डेसिबल वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए ऑनलाइन कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू माइक के थ्रू इनपुट लिया जाता है और सीधे जो है बता दिया जाता है कितना डेसिबल वैल्यू चल रहा है। स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्स है, रिमोट कंट्रोल्स है, ये सब कैटेगरीज हैं। प्रश्न कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो हमने जो है वो क्या किया कि इनपुट को एक अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया कि एक एक जगह पे रख देंगे तो आसान हो जाएगा उन चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो कीबोर्ड आप सभी को पता है कि कीबोर्ड से क्या काम है, तो कीबोर्ड से टेक्स्ट को इनपुट करना है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कुछ भी चीज़ जैसे इंटरव्यू और पासवर्ड, ATM चले गए, कीपैड्स लगे हुए रहते हैं, आप नंबर दबाते हैं, न्यूमेरिकल कीपैड रहते हैं वहाँ पर, आप जैसे ही नंबर दबाते हैं तो वहाँ से फिर आपका काम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपके होते हैं कीपैड्स कह ले, कीबोर्ड्स कह ले, इसमें नंबर ऑफ कीज़ होते हैं, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, हर बटन एक यूनिक टाइप का इनपुट करने का काम करता है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है। की का कोई रेंज फिक्स ऐसे नहीं बताया जाता है, 100 से 110 तक का अलग अलग होता है, वो तो कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, जो कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती हैं वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ कितने कीज हमको रखने चाहिए, किस टाइप के। बहुत सारे जैसे साउंड वाले होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं साउंड को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड हैं। आप जैसे मेनली नोन आप देखते हैं QWERTY, QWERTY लिखा होता है इस नाम से, इसको इस फॉर्म में होता है कैरेक्टर, इसलिए QWERTY कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं म्यूजिकल ऑप्शंस को क्लिक करने वाले हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाले, तो इस हिसाब से कीबोर्ड के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कैटेगरीज के पहले हम लोग, मैं आपको ये बताऊँ, जैसे कि मेम्ब्रेन्स है, एर्गोनोमिक है, ठीक है, एर्गोनोमिक के अलावा चॉर्डेड है, थंब है, QWERTY है, SRT है, डेवोर्क है, मल्टीमीडिया है, ये सब टाइप के क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं। आपको अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि कीबोर्ड में बटन से की से प्रश्न आते हैं कि की कौन से प्रकार के की हैं, आपके अगर पूछा जाए कि भाई मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं, ऐसे आपसे पूछ दिया जाए तो आपको वो याद होना चाहिए। तो इस पे मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ, वो है की को अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट्स आ गए A to Z कैपिटल में भी, A to Z स्मॉल में भी, न्यूमेरिकल कीबोर्ड 0 से लेकर 1, न्यूमेरिकल कीपैड अलग होता है और अल्फा न्यूमेरिक वाले सेक्शन में अलग होता है। जैसे आप ये कीबोर्ड देख रहे हैं तो ये अल्फा और ये न्यूमेरिक्स हैं, जहाँ पे आप स्पेशल सिम्बॉल्स वगैरह भी देख रहे हैं, @ हेज है, ग्रेटर देन, ये अलग से जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सेक्शन है वो न्यूमेरिकल कीपैड का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक कीज हो गए, इसके अलावा न्यूमेरिक कीज हो गए, यहाँ पे नम लॉक बटन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, प्लस, माइनस, एंटर, ये सब बटन भी जो है उपलब्ध होते हैं। फंक्शनल की,
F1 से F12 तक टोटल फंक्शन की कितने होते हैं, F12 फंक्शन कीज होते हैं। वी स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो आपके कंप्यूटर में परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कीज का प्रयोग किया जाता है। और ये जो फंक्शन की हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग तरीके से जो है वो क्या करते हैं, अपने स्पेशल वर्क को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेशल पर्पस की, तो जैसे स्कैप करना है, कैप्स क्या है, तो कैपिटल करना है अगर अल्फाबेट्स को, या स्मॉल करना है, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैपिटल हो जाएंगे सारे कैरेक्टर जो है वो जो इंटर करेंगे आप। टेप बटन है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, 4 times स्पेसिंग करने का काम करता है। डिलीट बटन आपका है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, बैक स्पेस पीछे जाना, इंटर नीचे जाना। होम बटन है, सबसे सामने आना जो है वो आपका, किसी भी अगर टाइप करते रहते तो कर्सर को सामने लाने के लिए भी होम बटन यूज होता है, लाइन आखिरी में जाने के लिए भी इंड बटन यूज होता है, ठीक है। मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की इनमें 3 होते हैं। मॉडिफायर की क्या क्या है, तो एक आपका है शिफ्ट की, एक है आपका अल्टर की, एक आपका कंट्रोल की। इसके अलावा कर्सर को मूव करने के लिए आपको एरो कीज मिलते हैं, अपके एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कीबोर्ड्स को लेकर है। इस पे सवाल जो भी हम देखेंगे उसके हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें हमको जाननी चाहिए। दूसरा जो है वो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। एक वायरलेस माउस यहाँ पर दिखाया गया है, एक ऑप्टिकल माउस यहाँ पर दिखाया गया है, ट्रैक बॉल एक अलग से भी कई बार हम लोग लेते हैं और माउस के कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जी स्टिक माउस है, माउस अलग अलग प्रकार के आपको बताए गए, ठीक है। मैकेनिकल माउस है, तो क्या क्या है यहाँ पर, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, ट्रैक बॉल है, वायरलेस है और जी स्टिक है। ये जी स्टिक है, ठीक है। ये सब जो है वो आपके मूवमेंट करते हैं, कर्सर को मूव कराते हैं एक सतह पर जो है वो चलाने के बाद। माउस जो है वो क्या होता है, मोस्टली हम लोग बात करते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो माउस के लिए क्या याद रखना है हम लोग को, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में याद रखना है। एक फ्लैट सरफेस होता है वहां पर इसको यूज किया जाता है। माउस के पॉइंटर को क्या किया जाता है, कर्सर्स को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। कर्सर मूवमेंट होते हैं एक जगह से, जैसे ये हम लोग एरो जो देख रहे हैं ये कर्सर है, तो माउस टच पैड हमारा होता है, जैसे लैपटॉप में टच पैड्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग करते हैं, वैसे ही माउस का काम होता है। इसमें कुछ बटन होता है, लेफ्ट क्लिकिंग होता है, राइट क्लिकिंग होता है, स्क्रोलिंग होता है, स्क्रोलिंग पेज अप एंड डाउन करने के लिए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ड्रैगिंग कर सकते हैं, ड्रैगिंग कैसे करते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक बटन दबा के एक किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कह सकते हैं अपन लोग उसको। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जो इंटरफेस होता है, कमांड इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वहां पर आपका जो होता है माउस काम करता है, ध्यान रखेंगे। माउस के हमने कुछ प्रकार बताए। इसके बाद अगर हम लोग इनपुट डिवाइस बात करें, तो जैसे जॉयस्टिक है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। गेम खेलने के लिए एक उल्टी छड़ी जैसा आप देख रहे हो, वहां कुछ बटन लगे हुए हैं, लेफ्ट राइट मूव करके यहां पर स्क्रीन में पॉइंटर को मूव किया जाता है। लाइट पेन होता है, ऐसा स्क्रीन जो टच सेंसिटिव नहीं है, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो एक लाइट पेन होता है, उसके थ्रू हम लोग इनपुट करने का काम करते हैं, ठीक है। लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर, ये सारे माउस हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबेल माउस, टच पैड है, लैपटॉप्स वगैरह में आप जो देखते हैं वो टच पैड होता है, माउस की तरह ही हम लोग बात कर रहे हैं। ग्राफिकल टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, स्टाइलस होता है, स्टाइलस जो है वो टच स्क्रीन ग्राफिक्स टैबलेट होते हैं, टूल्स होते हैं। इसके अलावा ट्रैक बॉल होते हैं, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि दिए गए ऑप्शन में से जो भी फॉलोइंग ऑप्शन यहाँ पर गिवेन है, उन फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन से जो है वो क्या है आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये सवालों में देखने को मिलता है। अगला जो है वो हमारा स्कैनिंग से रिलेटेड है, स्कैनिंग डिवाइसेज हैं, जैसे कि बार कोड रीडर। तो अलग अलग डाटा के, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलग अलग पहचान के लिए, कई बार प्राइजेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उस डेटा को इनकोड करके रखा जाता है बार कोड्स में। बार कोड्स होते हैं, QR कोड्स होते हैं, तो जैसे बार कोड होता है तो बार कोड का रीडर होता है, उसको क्या कहा जाता है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर एक डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस होता है जो बार कोड्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा MICR होता है, जब भी हम बैंक वगैरह का चेक वगैरह में कोई ट्रांजेक्शन कराते हैं तो देखिए आप देखेंगे चेक के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए नंबर वो सारे रहते हैं। उन मैग्नेटिक इंक में लिखे गए नंबर्स को रीड करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको MICR कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनपुट लेने के लिए जो डिवाइस होता है उसको MICR कहा जाता है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कुछ बुक्स है, उस बुक में कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, उस कैरेक्टर को मैं जो है वो क्या करता हूँ, डिजिटल फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ अपने सिस्टम में रीड करके जो है वो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये OCR होता है। तो ये सारे डिवाइसेज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, तो ऐसी कुछ OMR सीट्स होती हैं, इन OMR सीट में कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई मार्क है, उस मार्क को रीड करने के लिए,
पेंसिल से या पेन से कोई भी मार्किंग की गई है, उन मार्क्स को, मार्किंग को, उन चिन्हों को रीड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR यूज किया जाता है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, कोई भी हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट है, फोटोज है, ठीक है, उन सभी को स्कैन करके जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल स्टोर करना होता है जब कंप्यूटर में, तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। फोटो कॉपी वाली मशीनें जो होती है वो भी क्या करती है, स्कैन करती हैं, देन उसका प्रिंट निकालती हैं, स्कैन एंड प्रिंट होता है। सॉरी, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। तो जितने भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क होते हैं, डिजाइनिंग वाले वर्क होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, वो सारी जगह पे ऑफिस वर्क हैं, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? स्कैनर देखने को मिलता है। डिजिटल कैमरा, तो आस पास जितने भी इमेजेस हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ दिख रही है, उसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसको पिक्चर इमेज स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो आपका डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा से इमेजेस स्टोर करने का काम किया जाता है। टच स्क्रीन है, ठीक है, आपका फोन है, डिस्प्ले अलग होता है, डिस्प्ले तो आउटपुट के लिए होता है, टच सेंसिटिव होता है, ATM मशीनें हैं, टच होती हैं, टच करके हम इनपुट देने का काम करते हैं, टच सेंसिटिव स्क्रीन्स लगे हुए रहते हैं, तो टच स्क्रीन जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आयरिस स्कैनर है, फेशियल रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, ठीक है। स्कैनर ग्रुप में अगर बात करें तो स्कैनर कैसे कैसे होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, सीट फेड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है। ऑडियो इनपुट की बात करें तो माइक्रोफोन है, ऑडियो इंटरफेस है। क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, कंटेंट सारे जो लेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती है डिटेल में, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें ना हो जाए जिसको आपने सुना नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। इमेज या वीडियो इनपुट करने के लिए वेब कैमराज हैं, डिजिटल कैमरा हैं, आजकल DSLR कैमराज वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। आपका अगर जेस्चर बेस्ड इनपुट करना है, ठीक है, तो मोशन कंट्रोलर होता है, और क्या है, लीप मोशन कंट्रोलर होता है। रिमोट कंट्रोल ग्रुप, तो TV रिमोट कंट्रोल है, इंफ्रारेड IR रिमोट है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल है, ये सब हमको देखने को मिलता है। बार कोड या QR कोड रीडर स्कैनर होता है। 3D इनपुट्स के लिए 3D माउस है, 3D स्कैनर है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ग्रुप में क्या आता है, तो इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राफी आता है, EEG जो हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारे डिवाइसेज आते हैं। गेम इनपुट के लिए डांस पैड होता है, डांस पैड के थ्रू आप देख रहे होंगे गेमिंग इनपुट में। लाइट गन्स होते हैं, ठीक है, गिटार कंट्रोलर होते हैं, ये सब इनपुट्स होते हैं। ये सारे मैंने जो है वो आपके सामने जो है प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के नाम रखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गिवन ऑप्शंस में कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन से इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो आपको ये सारे नाम जो है वो याद रखने चाहिए। कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिकल टैबलेट, टच स्क्रीन, पेन टैबलेट, ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, बहुत सारे जो है नाम हैं इनपुट डिवाइसेस के, सारे आप जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। टाइप्स भी बताया गया है, जैसे कीबोर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, लैपटॉप कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड है, ZARTY कीबोर्ड, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। माउस है तो स्टैंडर्ड माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, गेमिंग माउस, ट्रैकबॉल माउस, G-Stick मैंने आपको बताया। टचपैड है, टचपैड लैपटॉप टचपैड होते हैं, एक्सटर्नल टचपैड होते हैं। स्कैनर में फ्लैट बेड स्कैनर है, डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर है, फिल्म स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर में आप OMR जो है, सॉरी, आप जो है वो वहां पर बार कोड डिटेल्स वगैरह देखते हैं। वेबकैम है, इंटीग्रेटेड वेबकैम होता है, एक्सटर्नल वेबकैम होता है, जैसे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड वेबकैम्स होते हैं, एक्सटर्नल वेबकैम डेस्कटॉप वगैरह में आप यूज करते हैं। हाई डेफिनेशन वेबकैम होते हैं, 360 डिग्री वेबकैम होते हैं। माइक्रोफोन में अलग अलग माइक्स होते हैं, इंटरनल माइक होता है, एक्सटर्नल माइक होता है, और कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में, तो डिजिटल कंप्यूटर में कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है, वो भी कार्यात्मक फंक्शनल कंपोनेंट क्या क्या हैं डिजिटल कंप्यूटर के, हमको ये बताने हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेज होते हैं, CPU होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट डिवाइस। अब प्रिंटर का होना हर हमेशा हर जगह पे जो है वो आपका क्या, जैसे प्रिंटर है, उस प्रिंटर का होना नहीं होना उस पर जैसे बात की जाए, फंक्शनल बात किया जाए, तो क्या बोला गया है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कंप्यूटर के क्या क्या देखे थे हम लोग, इनपुट भी देखे थे, स्टोरेज भी देखे थे, CPU भी देखा था, आउटपुट भी देखा था। उस आधार पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सारे के सारे ऑप्शन आने चाहिए, मगर दिए गए ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में तो प्रिंटर कवर हो ही जाना है, तो ACDE ये हम ऑप्शन के साथ जो है जा सकते हैं। मगर फंक्शनल कंपोनेंट, कंप्यूटर के कंपोनेंट में हमने जो है वो इनपुट भी सब है, CPU भी है, स्टोरेज भी है, और आपके आउटपुट भी है। सॉरी। अगला जो सवाल पूछा गया था,
ये सारे सवाल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। बार बार मैंने अपने वीडियोस में ये कहा है आप लोगों को, आप जाइएगा वहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा और आराम से समय लेकर उसके ऑप्शन टिक कीजिएगा। सारी चीज़ें किस प्रकार से है, कैसे होती है, किस सिक्वेंस में पढ़ना है, उसके लिए हम ये सारे वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीफेरल डिवाइस आर कंसिडर्ड ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर तो आउटपुट हो जाएगा, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल। तो प्रोजेक्टर को छोड़कर मतलब ए सी डी फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका जो है वो क्या है, सब के सब इनपुट प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। टिक नहीं लगा रहे हैं, टिक आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पेरीफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। कुछ पेरीफेरल जो डिवाइसेज होते हैं उनको एक्सटर्नल डिवाइस कहा जाता है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। विच इट्स कंटेन इनपुट पेरीफेरल, आपको इनपुट पेरीफेरल बताना। जैसे पहले मैं स्पीकर दे दिया है, स्पीकर तो आउटपुट हो गया, ऑडियो आउटपुट करने के लिए काम आता है, तो खत्म। प्रोजेक्टर दे दिया, प्रोजेक्टर आपका जो है प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है, इमेज प्रोजेक्शन, वीडियो प्रोजेक्शन, तो वो भी आउटपुट हो गया, खत्म। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटर दे दिया, तो प्रिंटर भी हट जाएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में जो कंटेन करके रखा है डिवाइस का, वो देखिए माइक्रोफोन मैंने आपको बताया, ट्रैक बॉल मैंने आपको बताया, माउस जो है वो, ठीक है, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये क्या है थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनपुट। ये पूरे के पूरे प्रीवियसली आईसीटी के लिए, जहां जहां पर आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं वहीं से क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने थ्योरीज क्रिएट की है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अगला जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आप देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है पूछ रहा है, हार्डवेयर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है और डेटा क्या है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डेटा आपको पता है डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, तो डेटा के साथ क्या आप ले लेंगे, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर लिखते हैं उसको एल्गोरिथम कहा जाता है, चाहे वो फ्लो चार्ट के रूप में हो, चाहे वो स्यूडो कोड के रूप में हो। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो लिनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, अगला आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है मगर वेली नोन आपको चीजें पता है, इनपुट में माउस आता है फन वन, आउटपुट में आपका मॉनिटर आता है, मॉनिटर टी स्क्रीन है, मेमोरी आप कैश मेमोरी की बात करते हो और सॉफ्टवेयर आप पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह डिजाइन करने की बात करते हो, पाइथन है गया। ठीक है, तो ये राइट सिक्वेंस में ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में चौथा, तो एकदम सिक्वेंस से ये जो है वो आएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा गया था आपको, इसमें से केवल इनपुट डिवाइस वाला बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले में क्या लिख दिया उसने, प्रिंटर, ये हट गया। दूसरे वाले में उसने क्या लिख दिया, मॉनिटर, ये हट गया। यहां पर आप क्या देखेंगे, मॉनिटर लिख दिया, ये भी आपका हट गया। अब आपका आ गया जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर। ठीक है, आपको मैंने डिजिटाइजर्स के बारे में बताया था, जो टैबलेट्स के बारे में बताया था, वो जो है वो आपके यहाँ पर फोर्थ नंबर में आ गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, तो ऊपर आपका हो गया जो आपने नहीं पढ़ा अभी, मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो किस में आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं, बाकी सब आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज एन जॉयस्टिक, जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, तो जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, बहुत बढ़िया, आपने जो सोचा वही है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, अब इस पे सवाल पूछना इतना ज्यादा बेहतर नहीं लगता है, मगर मैंने आपको बताया कि भाई ये लगभग 100 से 110 के बीच का होता है, तो यहाँ पे 101 की को हम ले सकते हैं। PCI, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पेरीफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, ये हमारा जो होता है वो आपके होते हैं PCI, बोर्ड में लगे हुए रहते हैं, मदर बोर्ड जो होता है ना हमारा, उस मदर बोर्ड में जो है वो सेक्शन लगा रहता है PCI का। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ अ यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में कॉपी करना है, स्कैन करना है, ठीक है, नाम लिख दिया, सेव करना, तो वो क्या होता है, स्कैनर, क्या कहा जाता है उसको, स्कैनर। तो स्कैनर एक क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल माउस की श्रेणी में रहेगा, पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन जो है वो टच सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होगा, ठीक है, ग्राफिकल टैबलेट और जॉयस्टिक, ये सारे आप बताइए इसमें से कौन कौन से जो है वो क्या पूछा गया है, पॉइंटिंग डिवाइस पूछा गया है। तो ए बी सी डी पॉइंटर्स का यूज करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है, टच करते हैं, वो सारे जो हम लोग पार्ट यहाँ पर बात करें, जैसे ट्रैक बॉल ले लिया, जॉयस्टिक ले लिया, टच स्क्रीन ले लिया, तो टच स्क्रीन क्या है, टच सेंसिटिव होते हैं, हमने देखा था, आपने जो है मैंने आपको एक लिस्ट पूरा का पूरा दिखाया, ये देखिए पूरा पॉइंटिंग डिवाइस का मैंने लिस्ट दिखाया और आप यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस देखिए, माउस बताया, टच पैड बताया, ग्राफिक्स टैबलेट बताया, स्टाइल्स बताए और ट्रैक बॉल्स बताए, ठीक है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये जो है वो आपके क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो इसमें क्या नहीं है, देखिए ग्राफिक्स टैबलेट है,
तो आपका क्या गायब है यहां से देखिए, तो यहां पर आपका जो गायब है वो है ग्राफिक टैबलेट आएंगे टच स्क्रीन, तो ए सी डी, ठीक है, ए सी डी का कोई कॉम्बिनेशन है, ए बी डी है, ए बी डी ऐसा कॉम्बिनेशन, तो ए सी डी नहीं है, टच स्क्रीन, टच सेंसिटिव होता है, पॉइंट करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके ही उसको मूव करने का काम करते हैं टच में, जैसे इसको पकड़ लिया इधर उधर मूव कर दिया, होता है मूव, तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ए बी सी डी हम लोग ले लिए। नेक्स्ट अपने पास क्या है, या ए डी तक भी हम लोग कई बार बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल अल्टर और क्या होता है शिफ्ट, कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट, मतलब सी ऑप्शन को छोड़ के ए बी डी, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा मॉडिफायर की। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, तो कंप्यूटर का टेबल कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या, जिसमें कंप्यूटर रखते हैं, या मॉनिटर और सीपीयू, ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, गूगल सर्च इंजन सॉफ्टवेयर हो गए, तो क्या आ जाएगा दूसरा आ जाएगा मॉनिटर और सीपीयू, एक आउटपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगला देखिए, बार कोड रीडर क्या करने के लिए काम आता है, तो बार कोड रीडर जो है वो इनपुट डेटा करता है प्रोडक्ट्स का, किसी भी पॉइंट ऑफ सेल में जहां पर भी किसी कोई सामान को सेल किया जाता है वहां पे आप देखते हैं बार कोड रीडर होता है। चिप रीडर क्या होता है, तो चिप रीडर जो है वो आपका किस काम को काम करता है, तो बैंक कार्ड्स एटीएम कार्ड्स वगैरह होता है, बैंक कार्ड उसको स्मार्ट कार्ड जो बोलते हैं हम लोग उसको रीड करता है। एमआईसीआर क्या होता है, तो इनपुट डेटा फ्रॉम बैंक चेक, चेक में जो मैग्नेटिक इंक होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात है। ओसीआर क्या है, तो इनपुट टैक्स जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से इनपुट टैक्स करने का काम करता है। फिर है आपके पास ग्राफिक टैबलेट क्या है, टच स्क्रीन क्या है, बार कोड रीडर क्या है, न्यूमेरिक कीपैड क्या है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में इंटर यूर पिन बोलता है, तो आप कहाँ से पिन इंटर करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड से, तो न्यूमेरिक कीपैड यूज होता है टू इनपुट अ पिन। बार कोड रीडर आपको बताया गया कि किसी भी प्रोडक्ट में द इनपुट डेटा फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन ए सुपर मार्केट एट अ पॉइंट ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर आप टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन आप कहाँ पर देखते हैं, तो कोई भी इनपुट डेटा जहाँ पर कियोस्क वगैरह होते हैं, जैसे कि आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है, या फिर एटीएम पैसे निकालते हैं, वहाँ पर आप सब जगह पर देखते हैं टच स्क्रीन इनपुट डेटा एट इंफॉर्मेशन कियोस्क, ठीक है, कियोस्क कहा जाता है उस जगह को। ग्राफिक टैबलेट, तो ग्राफिक टैबलेट क्या है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, ग्राफिक टैबलेट क्या हो जाएगा, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। तो सारे इनपुट डिवाइसेस के पहले तो नाम और उसका बेसिक थोड़ा थोड़ा वर्क हमको जो है वो पता होना चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल, इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो आपका यूजर प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। तो पहले चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे टर्मिनल जो होते हैं वो कीबोर्ड और मॉनिटर के कॉम्बिनेशन को टर्मिनल कहा जाता है। तीन टर्मिनल हम लोग देखते हैं, डम्ब टर्मिनल कोई भी प्रोसेस नहीं करता है, स्मार्ट टर्मिनल थोड़ा बहुत प्रोसेस करता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल जिसके पास खुद का एक प्रोसेसर पावर होता है जिसमें प्रोग्रामेबल होता है वो, तो वो आएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल यूजर प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस होता है। अगला हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अभी मैंने जो भी आपको सवाल बताए, अभी मैंने जो भी आपको थ्योरी बताई, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड थे, इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को, क्योंकि यहाँ पे पूरा आईसीटी से 10 नंबर, पूरा आईसीटी से 20 नंबर आना है, यहाँ पे हम केवल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, तो एक क्विक रिविजन के रूप से आप इस क्लास को समझ सकते हैं। और जो एकदम फ्रेशली जो है वो है, जो इनको एकदम नल है वाइड है, वो जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जगह में मेमोरी रखें, स्टोर करें और आगे बढ़े, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस जब भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, तो रिजल्ट को हम लोग को देखना होता है, चाहे वो मॉनिटर में हो चाहे वो प्रिंटर में हो। तो इस प्रकार से हम उन डिवाइसेस को जिनकी सहायता से आउटपुट दिखाया जाता है, वो डिवाइसेस जो आउटपुट को शो करने का काम करते हैं, वो सारे डिवाइसेस आपके क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आउटपुट में दिए जाने वाले आउटपुट के आधार पर दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरे होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाते हैं, तो जिनमें हम लोग किसी भी आउटपुट को देखने के बाद चेंज कर सकते हैं, वो सारे आउटपुट डिवाइसेस आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, वीडीयू इसका और दूसरा नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, और वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है मॉनिटर को। मॉनिटर के अलग अलग प्रकार है, अगर कलर के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्लैक एंड मॉनिटर जिसको मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है, इसके अलावा कलर मॉनिटर जिसमें तीन कलर की बात होती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर की बात होती है। देखिए मॉनिटर में कलर RGB होते हैं, बट प्रिंटर जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें चार कलर होते हैं, ठीक है, मैजेंटा साइन आपका ब्लू येलो ये आपके कलर होते हैं, ठीक है, ये आपके पार्ट है, बट यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू अलग पार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपके ब्लैक है, मैजेंटा है, साइन है और येलो है,
ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये चार होते हैं यहाँ पे, मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ग्रे स्केल। ये ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट पे एक ग्रे कलर, मॉनिटर का प्रकार। उसके बाद अगर टेक्निक की बात करें तो फ्लैट स्क्रीन्स को अलग अलग टेक्निक, पहले क्या पिक्चर ट्यूब वाले होते थे तो उसको CRT कहा जाता था, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर आने लगे। वो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर क्या टेक्निक को यूज करते हैं, तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इसके अलावा LED की और है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है, ठीक है। TFT स्क्रीन्स होते हैं जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर होते हैं। ये सारे क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर हैं, और मॉनिटर के अलग अलग प्रकार हैं। आपको ध्यान रखना है, नाम पूछा जाता है मोस्टली जो है वो, और फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये सारे स्क्रीन पर आपको जो है इमेजेस भी दिखाए गए हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसको विजुअल आउटपुट डिवाइस भी कहा गया है, और यहाँ पर ये सारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाते हैं या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर टाइप से होगा, कलर मॉनिटर जो है वो है ग्रे स्केल आपका है, कैथोड रे ट्यूब जो पिक्चर ट्यूब लगे हुए रहते हैं, ठीक है, पीछे निकले हुए हैं, फ्लैट पैनल में LCD आपका आ जाता है, LED आपका आ जाता है। फुल फॉर्म तो अच्छे से याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। TFT आप देखते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर होता है, और ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, OLED कहा जाता है, ठीक है। 3D मॉनिटर्स के में होते हैं। फिर अगले बाद विजुअल जो आपका था, विजुअल आउटपुट डिवाइस में पहले आपने मॉनिटर देख लिया, मॉनिटर के अलावा और विजुअल आउटपुट डिवाइसेस में आपके क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्टर्स हो जाते हैं। प्रोजेक्टर के अलग अलग प्रकार है, 4K प्रोजेक्टर है, LCD प्रोजेक्टर है, LED प्रोजेक्टर है, DLP प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा पॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, ठीक है, बहुत कम रेंज में जो है वो इनका होता है रेंज, और लेज़र लाइट। आजकल आप DJ वगैरह में देखते हैं लेज़र लाइट जो है वो चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, म्यूजिक के अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्शन होता है। तो ये सारे क्या है, आपके विजुअल आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर, फिर प्रोजेक्टर। अगला जो है वो हमारा क्वेश्चन में चलते हैं आउटपुट डिवाइस को लेकर। इनमें से कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, वो तो मेमोरी मतलब ऑप्टिकल मीडिया है, मतलब DVD CD होता है उसमें ब्लू रे डिस्क होता है। बजर, बजर जो है वो आपका क्या होता है, इनपुट बजर करने के लिए। वेब कैमरा, ये आपके इनपुट हो गए। SSD आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी आपका डिस्क हो गया। अब लेजर प्रिंटर, तो केवल लेजर प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ई ओनली इज आउटपुट डिवाइस, ओके। आगे चलते हैं, वीडियो। अभी मैंने आपको बताया मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है, वीडियो। वीडियो मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT क्या होता है, मैंने आपको बताया पिक्चर ट्यूब होता है जिसमें CRT टेक्निक की बात होती है, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, थर्ड नंबर हो गया। आगे जो हमारा है वो है जतिन का जो लैपटॉप है वो LCD स्क्रीन यूज करता है। LCD का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी स्टैंड फॉर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया LCD का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑडियो और वीडियो कंप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ RGB। RGB का मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया RGB मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू। क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लू। ये मॉनिटर के लिए यूज होता है, ना कि इंकजेट प्रिंटर के लिए। नेक्स्ट, आंसर लग गया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, प्रिंटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टोरेज डिवाइस में आएगा आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा आपका MS Office, ठीक है, ये हो गया। अगला जो आपको पूछा गया था WWW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सॉफ्टवेयर के टर्म है मगर कुछ क्वेश्चन कंबाइंड है इसलिए इसमें लिया गया। जावा में क्या आ जाता है आपका, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रेम क्या हो गया आपका, तो रेम आपका मेमोरी हो गया, बट कैसा मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील, जिसमें पावर ऑफ होने के बाद सब मिट जाता है। रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। इसमें देखिए इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा आपका, MS Office। और सॉफ्टवेयर तो वैसे क्रोम भी, वेब ब्राउजर्स भी तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, बट एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे क्रोम हम लोग देखेंगे, वेब ब्राउजर अलग से स्पेसिफाई किया गया है। इनमें से कौन सा मोबाइल डिवाइस नहीं है, टैबलेट, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, PC, ई रीडर। मोबाइल डिवाइसेस का मतलब होता है जिसको इजिली टू पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से लेकर जाते हैं हम लोग, वो सारे डिवाइसेज मोबाइल डिवाइसेज होते हैं। डेस्कटॉप PC नाम से बोल रहा है, टेबल में रख दो पर्सनल कंप्यूटर को तो फिर मोबाइल। अब प्रिंटर, ठीक है, सॉरी मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस को लेके थोड़ी ना इधर उधर घूमते रहेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये नहीं होता है डेस्कटॉप PC। टिक नहीं लगा रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है। टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, क्वेश्चन सारे आएंगे, याद कीजिएगा क्या बताया था सर ने, आपको कितना याद है फिर, और आपको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आप इंटर की दीजिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो थे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया, मॉनिटर देख लिए, प्रोजेक्टर्स देख लिए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट मतलब जिसमें कोई चेंजेस की बात नहीं है। अब प्रिंटर सबसे पहले देखेंगे, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिंटर के सेक्शन में होते हैं। प्रिंटर को अगर हम लोग दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किए, एक प्रकार जो है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर का, और दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का। इंपैक्ट मैकेनिकल पिंस, हैमर, ये सब यूज हो रहा है, आवाज कर रहा है, ठीक है, बहुत समय लेने वाला। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नो मैकेनिकल पिंस, ठीक है, नो हैमर्स, फास्ट हम लोग प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, क्वालिटी प्रिंटिंग हो रही है, वो आपका हो गया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं या एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट्स की सहायता से कैरेक्टर को निर्माण करता है, हर डॉट 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 करके कैरेक्टर्स बनाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद लाइन प्रिंटर है, लाइन में ड्रम प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है और चैन प्रिंटर है, ड्रम, बैंड और चैन, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो मेनली तो तीन बताया जाता है। क्या क्या बताया जाता है, एक इंकजेट बताया जाता है, एक आपको थर्मल बताया जाता है, एक आपको लेजर बताया जाता है। इंकजेट इंक की बौछार से प्रिंटिंग का काम करेगा, थर्मल प्रिंटर गर्म इंक यूज करता है, लेजर प्रिंटर पाउडर यूज करता है, टोनर पाउडर यूज करता है, ठीक है, पाउडर सम कह देंगे। अब यहाँ पे और भी नाम बताए गए, सॉलिड इंक प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, 3D प्रिंटर, वायरलेस प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, ऐसे भी नाम दे दिया गया है। आप जो है वो इमेजेस देख सकते हैं। प्रिंट आउटपुट डिवाइस इंपैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर में जैसे आप देख रहे हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, ऐसा एक व्हील टाइप का है, हर एक पिन में एक कैरेक्टर खुदे हुए हैं, वो लगा हुआ रहता है और वो प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस मशीन के अंदर बहुत सारी जगह पे यूज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंपैक्ट, इंपैक्ट में तीन प्रिंटर है, ये तीनों लाइन प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है और बैंड प्रिंटर आता है, ठीक है। इंपैक्ट में हम लोग तीन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक आप मान लीजिए डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डेजी व्हील और तीसरा लाइन, और जिसमें दो कैटेगरी में पढ़ रहे हैं इसको। एक कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर का पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो लाइन प्रिंटर का पढ़ रहे हैं। ड्रम प्रिंटर, ड्रम डिजाइन दिख रहा है, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये आपके हो गए प्रिंटर्स में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, आप देखते हैं फोटोज वगैरह निकलवाने के लिए जाते हैं स्टूडियोज वगैरह में, तो आपको इसे कलर वाले मिल जाते हैं, यहाँ एक दो तीन इधर और एक इधर है, चार कलर हम लोग को देखने को मिलते हैं। मैंने कहा था येलो है, साइन है, मेजेंटा है और ब्लैक है, ये चार कलर होते हैं, इस पर भी सवाल आया है, ठीक है। लेजर प्रिंटर है आपके पास, बहुत सारे अलग अलग टाइप के थर्मल प्रिंटर होते हैं, बिलिंग वगैरह सेक्शन में आप देखते हैं, ATM वगैरह में आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता है इसका जो प्रिंटिंग रहता है वो मिट जाता है, ठीक है। ये हमारे हैं प्लॉटर। अब प्रिंटर के बाद आता है प्लॉटर, हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करना है। अब मान लीजिए आपका फोटो है, अब आपको और ज़्यादा हाई क्वालिटी, मान लो बड़ा सा बैनर बनवाना है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनवाने हैं, तो प्रिंटर में कैसे निकालेंगे पोस्टर जो है वो नहीं है पॉसिबल। तो उस कंडीशन में अब हमारे पास एक डिवाइस आता है हाई क्वालिटी आउटपुट इमेजेस आउटपुट करने के लिए, वो आपके हो जाते हैं ग्राफिक्स आउटपुट के लिए, प्लॉटर आ जाता है। प्लॉटर में आपके फ्लैट बेड प्लॉटर आते हैं, ठीक है, आपके ड्रम प्लॉटर आते हैं, और ऐसा आपने बड़ा सा प्लॉटर देखा होगा जब फ्लैक्स निकलवाने आप जाते हैं किसी भी प्रकार के फंक्शंस के लिए, तो इंक जेट प्लॉटर होता है। तो ये सब क्या है, आपके प्लॉटर हैं, इनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इस पे प्रश्न क्या क्या है, तो सबसे पहले आप प्रश्न देखते हैं, वो है प्रिंटर जहां प्रिंटिंग हेड और पेपर फोर्स करता है, तो फोर्स करने की जब बात आती है ना, हेड को फोर्स किया जाता है प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए हैमर वगैरह का प्रयोग करके, तब फिर कैरेक्टर छपता है। तो मैंने आपको बताया उसको क्या कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आपका है, वो है इंपैक्ट के बाद, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस टाइप ऑफ प्रिंटर, इनमें से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है। तो थर्मल फ्लैट बेड, फ्लैट बेड प्रिंटर्स होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी मॉनिटर है, ठीक है, LCD LED CRT की बात की गई। अगला आपके पास है, मैंने आपको ये कैटेगरीज बताई थी, इंपैक्ट प्रिंटर का कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आप देखते हैं ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट में आप देखते हैं इंक जेट, लेजर और थर्मल। नाम ज़्यादातर याद रखने हैं आपको सवालों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, अभी आपको दिखाया मैं इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में दो होते हैं, कैरेक्टर बेस्ड और एक होते हैं लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं उसमें डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील आता है, और लाइन में आता है चैन, बैंड और ड्रम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डॉट मैट्रिक्स, तो राइट आंसर हो गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट प्रिंट ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट कैसे करेगा,
तो डेजी व्हील क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है, तो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, पेज प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। थर्मल प्रिंटर आपने देखा, और इंकजेट प्रिंटर, तो ध्यान रखेंगे लेजर प्रिंटर ही पेज प्रिंटर के रूप में जाने जाते हैं। तो डेजी व्हील हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं आपके? बाई डायरेक्शनल होते हैं, ध्यान रखेंगे उनकी वर्किंग बाई डायरेक्शनल। एक बार ऐसा भी पूछा गया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे हैं, तो बाई डायरेक्शनल है। सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि याद रहे थोड़े लंबे समय तक के लिए, बाकी सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी हैं बहुत ज़्यादा मोर डिटेल, मगर इतना ज़्यादा चीज़ जो है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर? इनमें से कौन सा इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है? इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया दो कैटेगरी, एक कैरेक्टर वाला, एक लाइन वाला। कैरेक्टर वाले में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन वाले में चैन, बैंड और ड्रम। तो क्या बच गया? नन ऑफ द अबव, क्योंकि बाकी सब जो है वो आपके क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट आपका है इंकजेट प्रिंटर के लिए क्या सही है? प्रिंट एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, तो वो पेज प्रिंट का काम हो गया। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, बहुत सही बात है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। मल्टीपल कॉपीज एक समय में लेने का जो है वो काम करवाता है, एक समय में एक ही कॉपी निकाल लेगा हम लोग, ठीक है, एक पेज ही निकालेंगे। प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम बोल रहा है, तो ये डी तो आपका हट गया पूरी तरीके से, डी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास है ए के साथ कॉम्बिनेशन है और आपका बी सी का कॉम्बिनेशन, तो क्या आएगा? बी सी, ठीक है, इंटायर लाइन एट अ टाइम बोल रहा है, बी सी आपका बोल रहा है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, मल्टीपल कॉपीज टू बी टेकन एट अ टाइम बोल रहा है, ठीक है, एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, एक से अधिक सेम इमेज की कॉपियां जो है वो निकाली जा सकती है, वो तो सॉफ्टवेयर्स के पार्ट से होता है। अगला है पेज प्रिंटर, मैंने आपको बताया कि पेज प्रिंटर किसको कहा जाता है? लेजर प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है ड्राई इंक पाउडर क्यों यूज करता है? तो मैंने आपको बताया कि ड्राई इंक जो हमारा होता है, जो टोनर पाउडर्स आपके होते हैं, वो आपके कौन यूज़ करता है? तो थर्मल प्रिंटर यूज़ करता है, थर्मल प्रिंटर कि लेजर प्रिंटर। गर्म इंक, ये तो सूखा इंक नहीं, गर्म इंक यूज़ करता है, तो आएगा लेजर प्रिंटर, राइट, क्या होगा? लेजर प्रिंटर होगा। अगला जो आपके पास है, ठीक है, स्पीड कैसे मेजर करते हैं प्रिंटर का? तो प्रिंटर का स्पीड जो होता है वो डिपेंड करता है प्रिंटर किस प्रकार है उससे। अगर कैरेक्टर प्रिंटर है तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन प्रिंटर है तो लाइन पर मिनट, और अगर पेज प्रिंटर है जैसे लेजर प्रिंटर तो वो पेज पर मिनट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है वो क्या है? यूनिट्स हैं, प्रिंटर को मेजर करने वाले यूनिट्स मेजर हो रहे हैं। उसके बाद डीपीआई क्या होता है? अगर आपको क्वालिटी पता करनी है ना, तो अगर किसी भी इमेज की क्वालिटी पता करनी है तो उसमें क्या होता है? पिक्सल का यूज होता है। पिक्सल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी पिक्चर का, उसको पिक्सल कहा जाता है, डॉट होता है। तो ये डॉट कितने दूरी में आसपास में होता है उसको डीपीआई कहता है। ये मेजर करता है क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, डॉट पर इंच, डीपीआई का क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया डीपीआई सीआरटी एनआईसी सीडी रोम। तो डीपीआई क्या है? तो डीपीआई मेजर करता है रिजोल्यूशन ऑफ अ लेटर प्रिंटर हो गया, वो एक्चुअल में लेजर प्रिंटर है, ठीक है, पहला ऑप्शन। सीआरटी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ रीड ओनली स्टोरेज, ये होगा क्या? नहीं, ये है कंप्यूटर का मॉनिटर। एनआईसी क्या हो जाएगा? तो जब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है हमारा, है ना, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ऐसे हम लोग इसको एक और बोलते हैं, ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे लैन केबल्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए होता है, वो एनआईसी है। सीडी रोम आपका हो गया रीड ओनली स्टोरेज, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी बोला गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो है हमारा हार्ड कॉपी में ऑडियो भी आते हैं, ऑडियो में स्पीकर, हेडफोन्स, एयरफोन्स, साउंड, ठीक है, साउंड बार्स हैं, एक्सटर्नल ऑडियो एम्पलीफायर है, कंप्यूटर मॉनिटर स्पीकर हैं, लैपटॉप में और मोबाइल डिवाइसेस में बिल्ट इन स्पीकर आते हैं, वायरलेस मल्टी रूम स्पीकर आते हैं, टीवी स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर स्पीकर आता है, कार ऑडियो सिस्टम, होम थिएटर सिस्टम, ये सब आपके ऑडियो आउटपुट हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्शन हो गया, तो अगला वीडियो जो स्टोरेज का है वो मैं इसके बाद वाले लेसन में आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टोरेज डिवाइसेस में। अभी का जो पार्ट है उसमें हमने मुख्यतः क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो वहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइसेस को देखा है और इनपुट डिवाइसेस को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप जाइए टेलीग्राम सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन से लिंक को प्राप्त कीजिए और सारे क्वेश्चन शेयर कीजिए। आप सभी के एग्ज़ाम जब भी होंगे, जितने जल्दी भी होंगे, आप अपनी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर जरूर रखिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत लग रहा है आपको तो कमेंट कीजिए, निराकरण की कोशिश हम जरूर करते रहेंगे। और चैनल खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही जो है वो लर्निंग का काम अच्छे से चलता रहे। थैंक यू ऑल।